हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो लेसन 2 है क्लास 8 का काबली वाला, उसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करने वाले हैं और देखेंगे कि जो लेसन 2 में जो काबली वाले के बारे में जो लेसन में बताया गया, क्वेश्चन किया गया है, उसके क्वेश्चन कैसे हैं और उसको लिखा भी जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए जो नंबर 1 वाला क्वेश्चन है, टोटल इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो टोटल 6 दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो वाई वाज मिनी कार्ड अ चिटर बॉक्स, मिनी को चिटर बॉक्स कहकर के क्यों बुलाया जाता था, यानी मिनी को बातूनी क्यों कहकर बुलाया जाता था। तो इसका जो है वो आंसर होगा, जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, मिनी वाज कॉल्ड चिटर बॉक्स, मिनी को चिटर बॉक्स यानी बातूनी कहकर बुलाया जाता था बिकॉज, क्योंकि सी कुड नॉट लीव विदाउट चैटरिंग ऑल द टाइम, क्योंकि वह पूरे समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी, इसलिए उसको चिटर बॉक्स कह करके बुलाया जाता था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज मिनी इज़ अफ्राइड ऑफ काबली वाला, जो मिनी है वो काबली वाले को देख करके मतलब घबराती क्यों थी, घबराई क्यों, डरी क्यों, मतलब क्यों वो डरने लगी काबली वाले को देख करके। तो इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आंसर को देखते हैं। यहाँ देखिए आंसर यहाँ से शुरू है, आंसर यहाँ से शुरू है, मिनी हैड हियर्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया कि मिनी हैड हियर्ड, मिनी ने सुना था दैट कि काबली वाला कैश द चिल्ड्रेन, काबली वाला लड़कियों को पकड़ लेता है एंड पुट देयर इनटू देयर सेक्स एंड टुक देम अवे फ्रॉम, जो काबली वाले हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने झोले में बंद करके रख लेते हैं और उन्हें वहाँ से दूर लेकर चले जाते हैं। सो इसलिए सी वाज अफ्रेड ऑफ काबली वाला, इसलिए वह जो लड़की थी वह काबली वाले को देख करके डरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द काबली वाला अरेस्टेड, जो काबली वाला है वो क्यों गिरफ्तार हो गया। चलिए इसको भी देखते हैं कि काबली वाला जो है वो क्यों गिरफ्तार हो गया। 3 नंबर वाला आंसर यहाँ से है, रहमान द काबली वाला हैड स्टम्बल्ड एन ए मैन, रहमान जो काबली वाला था उसने एक आदमी को छुरा घोप दिया था, ठीक ना, स्टेबर्ड, देखिए यहाँ पर स्टेबर्ड का मतलब छुरा घोपना। तो जो रहमान यानी जो काबली वाला था उसने एक आदमी को छुरा घोप दिया था, हु ऑनेड हिज मनी, जो उसका कर्जदार था, मतलब जिसने उसके पैसे को लिया था उसने, रहमान उसने काबली वाले ने, जिस व्यक्ति ने काबली वाले से पैसे लिए थे तो उस व्यक्ति को काबली वाले ने चाकू मार दिया। फॉर दिस क्राइम, इस गुनाह के लिए ही वाज अरेस्टेड, इस गुनाह के लिए जो काबली वाला था उसको गिरफ्तार किया गया था। देख लीजिए यहाँ से, आप लोग चाहे तो इन तीनों का जो है आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर वाली है कि वाई वाज काबली वाला शॉक्ड टू सी मिनी, वाई वाज द काबली वाला शॉक्ड टू सी मिनी, जो काबली वाला था वो मिनी को देख करके शॉक्ड क्यों हो गया, मतलब भौचक्का क्यों रह गया, आश्चर्य में क्यों पड़ गया। तो चलिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। ही वाज शॉक्ड टू सी मिनी, वह मिनी को देख करके आश्चर्य हो गया, दैट क्योंकि सॉरी ही वाज शॉक्ड मिनी टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नॉन, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही वाज शॉक्ड टू सी मिनी, वह मिनी को देखकर आश्चर्य रह गया, दैट कि मिनी द लिटिल गर्ल, मिनी जो छोटी सी लड़की थी, हैड नॉन, जिसे वह जानता था, हैड ग्रोन इंटू अ सच ए ब्यूटीफुल वुमेन, वह बड़ी होकर के एक सुंदर औरत के रूप में बदल गई है, एक ऐसी औरत के रूप में बदल गई है। तो यह देख करके जो है वो काबली वाला आश्चर्य से रह गया, मतलब आश्चर्य में पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम, मिनी के पिता ने उसे क्या दिया, किसे, काबली वाले को, यानी मिनी के पिताजी ने काबली वाले को क्या दिया। तो चलिए देखते हैं, मिनीज फादर, मिनी के पिता ने टुक आउट सम
मनी। मिनी के पापा ने कुछ पैसे बाहर निकाले एंड गेव इट टू रहमान, और इसे इन्होंने रहमान को दे दिया, ठीक ना, और इसे इन्होंने किसको दे दिया, रहमान को दे दिया। सो दैट, ताकि देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि मिनीस फादर टूक आउट सम मनीस एंड गेव इट टू रहमान, यहाँ तक भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि वॉट डिड मिनीस फादर गेव हिम, यानी मिनी के पापा ने उन्हें क्या दिया। तो हम लोग चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और मन करे तो आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो मिनी के पिता ने रहमान को कुछ पैसे दिए, अब किस लिए दिए, सो दैट, ताकि ही कुड ऑल्सो सी, ताकि वह भी देख सके हिज ऑन डॉटर, अपनी भी अपनी उस लड़की को, आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बहुत वर्षों के बाद। मतलब वह पैसे इसलिए उसने दिए ताकि वह भी इतने वर्षों के बाद अपनी पुत्री को देख सके कि वो भी शायद बड़ी हो गई होगी, किस तरह से होगी, इसलिए उन्होंने पैसे निकाल करके दे दिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा गया, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटी दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। आप यह बताइए, यह बताइए कि आपने इस कहानी में मनुष्य की किस क्वालिटी को देखा, मतलब मनुष्य के बारे में क्या बताया गया इस कहानी में, आपने क्या देखा, विख्यात कीजिए आप इसमें, मतलब वर्णन कीजिए। तो चलिए इसके भी आंसर को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ये टोटल जो है इसका थोड़ा आंसर थोड़ा लंबा है, मैं पढ़ करके भी बता दे रहा हूँ। द चैप्टर नरेशन अ स्टोरी बिटवीन एन अटैचमेंट एंड द ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड द काबली वाला। इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि काबली वाले और एक छोटी सी लड़की के बीच में किस तरह का क्या संबंध होता है, और इसमें हम लोग ये भी देखे हैं कि देयर इज़ द मिशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड द लव विथ हर फादर, किस तरह से उसका अपने पिताजी के साथ व्यवहार रहता है, किस तरह से प्रेम रहता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। और एट द एंड आखिरी में मिनीस फादर सोस सप्रियर्स ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काइंडनेस बाय गिविंग द काबली वाला मनी सो ही कुड विजिट हिज डॉटर। और अंत में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दया को दिखाते हुए, एक मनुष्य की दैनिक कर्तव्य को दिखाते हुए मिनी के पिता ने अपने पास से कुछ पैसों को निकाल करके उस काबली वाले को दिया, ताकि वह भी अपने पुत्री को जा करके उस पैसे से लेकर के वह अपने गांव जाए, और गांव जा करके अपनी पुत्री के पास वह मिल सके। तो ये हम लोगों ने इस पूरे जो लेसन का था उसमें हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब आगे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए अब आगे कुछ है नहीं, यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फाल्स करना है, तो मैंने इसका ट्रू और फाल्स कर भी दिया है। यहाँ पर देखिए, मिनी कुड नॉट लीव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, तो सही बात है, मिनी जो थी वो पूरे दिन बिना बात किए नहीं रह सकती थी, तो इसलिए ट्रू है। रहमान वॉज अ बिग ब्रेडेड पठान, जो रहमान था वो एक मतलब बड़ा दाढ़ी वाला एक पठान था, सही है। अब देखिए, मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबली वाला, मिनी जो थी वो काबली वाले को भूल नहीं पाई, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, मिनी जो थी वो काबली वाले को भूल चुकी थी। नेक्स्ट, मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी, मिनी के पिता ने रहमान की कुछ पैसों से मदद नहीं की, ये गलत है, मिनी के पिता ने कुछ मदद की थी। मिनीज फादर हैड कैच डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, सॉरी कट है, मिनीज फादर हैड कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के जो पिताजी ने जो थे वह शादी समारोह में कुछ चीज़ों में कटौती किए, ताकि वह उस पैसे से रहमान को दे सके। तो ये जो ऑप्शन है वह सही है। दोस्तों हम लोग सिर्फ दो ही पर मतलब दो ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। आगे चाहें आप लोग तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमने बता भी दिया है, पर ये उतना आपको हमारे ख्याल से ज़रूर नहीं होता है। जो पहले का है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्स में होगा, ये क्या बोलते हैं, सेक्स में होगा, और दूसरा जो है आप लोग का ये स्टेप्ड में होगा। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें ये नीचे वाली चीज़ ज़रूरी होती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को, बहुत ही इसमें जितने भी कन्फ्यूजन थी हम सब भी कन्फ्यूजनों को दूर कर दिए। तो इसके आगे वाली भी लेसन का हम जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम ज़रूर अपलोड करेंगे,
और आप लोग कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि किस लेसन का आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए, किस लेसन का वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में।